नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट मीन वैल्यू एंड सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, चैप्टर रीमन इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। पर हम इस स्टेटमेंट की बजाय ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ये भी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का एक पार्ट है। तो जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है जो मैंने सर्कल में लिखा है, स्मॉल m टाइम्स b माइनस a इंटीग्रल a टू b f(x) dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल m b माइनस a। वी विल यूज दिस रिजल्ट फॉर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमारे पास सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, उसका हमारे पास ये रिजल्ट है, इसको भी यूज करेंगे क्वेश्चन करते समय। और कई बार यहां पे लैम्डा की जगह आप एफ सी भी ले सकते हो, एफ सी। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय, जहां पे दो फंक्शन हो गए वहां पे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाई जाएगी। तो वी विल स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स। सबसे पहले एग्जांपल है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ एक्स आई। आपको ये शो करना है ये आपका फंक्शन है, ठीक है जी। तो फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि हमें पता है नहीं पॉलिनोमियल जो एक्स में होती है वो कंटिन्यूस होती है, सो इट इज अ रीमन इंटीग्रेबल। अगर वो रीमन इंटीग्रल है तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करके रख लीजिए, ठीक है जी। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट 2+1, नीचे 3 आ गया, लिमिट्स पुट करके इतना आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली स्टेटमेंट यूज की है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ सी बी माइनस ए। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एफ एक्स आई आ रहा है, तो आप यहाँ पे एफ एक्स आई ले लीजिए एफ सी की जगह। तो एफ एक्स आई का मतलब इसमें एक्स आई पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इट विल बिकम xi माइनस वन का होल स्क्वायर, b आपका 3 है, a आपका 1 है, तो 3-1 हो गया। इंटीग्रल की वैल्यू आप लोगों ने निकाल के रखी हुई है, 8/3 आ रही है, तो यहाँ पे 8/3 कर लिया। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व फॉर xi, ठीक है जी। सॉल्व करके आपका इतना आ गया, टेक अंडर रूट, तो आपका इतना बन जाएगा सॉल्व करके। तो यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यू ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो xi की वैल्यू है वो इंटरवल 1 to 3 में लाई करनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1 to 3 में लाई नहीं कर रही, तो ये वाली वैल्यू आपकी इसमें लाई करेगी, क्योंकि ये 1 माइनस समथिंग है, तो वो 1 से छोटा चला जाएगा। इन दिस वे वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब ये आपका जो मेन मैंने आपको बताया था वो यूज होएगा। देखो ये बीच वाली जो चीज है, दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। वी हैव टू डिफाइन फ्रॉम इंटरवल ए टू बी, आपको ये फंक्शन के लिए ये की प्रूफ करके दिखानी है। तो जो मैंने वहां पे आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि m ब्रैकेट b माइनस से लेस देन a b इंटीग्रल एफ डी एक्स, वो वाली चीज यूज करेंगे यहाँ पे। फंक्शन 1/x है, इंटरवल ये है, तो हमें पता है 1/x कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज अ रीमन इंटीग्रेबल। तो रीमन इंटीग्रेबल है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 1/x। तो जो स्मॉल m और कैपिटल m निकालना है आपने इसमें, इस इंटरवल के लिए, तो आपको बताया गया जो स्मॉल m है आपका, जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसकी बड़े पॉइंट पे वैल्यू आएगी। तो इसकी ये स्मॉल एम वैल्यू आ गई, और जो मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है वो स्मॉल एम पे आएगी, छोटे पॉइंट पे, तो ये 1/n हो गया। तो जो हमारा रिजल्ट है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का, ये वाला हमने इक्वेशन यूज करनी है। तो ये वाली इक्वेशन जब लेस देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे यूज होगी, स्मॉल एम बी ए इंटीग्रल सबकी वैल्यू से आप इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका इतना बन जाएगा, ये एन से एन कट जाएगा ये वाला, ठीक है, 1/n आ गया, इधर भी आपका ये सिंपल बन गया। आपको बीच में इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, लॉग एक्स अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, ये प्रॉपर्टी लग गई लॉग एम माइनस लॉग एन की, वो नीचे फ्रैक्शन में चला गया। इन दिस वे वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको, क्योंकि लेस देन इक्वल टू टाइप, आप इसमें इंटीग्रल नहीं दिया हो, जब किसी क्वेश्चन में इंटीग्रल नहीं दिया वैसे ही इसने प्रूव करने को बोल दिया है, तो जो बीच वाली जो चीज है ना उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो डेरिवेटिव है उसको आपने फंक्शन मानना है। अब आपको पता है -1 आगे चला जाएगा, तो log 1 - x का डेरिवेटिव आएगा 1/(1 - x), और -1 कट जाएगा बीच वाले का डेरिवेटिव करके। तो आपने फंक्शन मान लेना 1/(1 - t), इंटरवल ले लेना 0 से x। x वाले क्वेश्चंस में देखो, यहां से आप इंटरवल आइडेंटिफाई करोगे 0 to x, इंटरवल आपने लेना 0 to x। अब वही तरीका है कि फंक्शन ये कंटिन्यूज है क्योंकि ये सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इट इज अ रीमन इंटीग्रेबल। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में पहले स्मॉल m और कैपिटल m निकालना है, बस स्मॉल m कहाँ पे निकालोगे, ये इस इंटरवल में छोटी वैल्यू पे
जीरो पुट करोगे तो आपका स्मॉल एम आ जाएगा टी को जीरो पुट करने पे, अगर टी को एक्स पुट करोगे तो आपका वो कैपिटल एम आ जाएगा। नाउ वी हैव अ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, पुट द वैल्यू स्मॉल एम कैपिटल स्मॉल बी ए एंड इट एफ एक्स, और बीच में आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। 1 ओवर 1 माइनस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग माइनस 1 से डिवाइड हो गया अपर लिमिट एक्स और जीरो पुट करने के बाद, तो ये दोनों को क्लब करके लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी लगा के ये आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपका इंटरवल 0 टू 1 है, देखो 0 से 1 इंटीग्रेशन है तो इंटरवल हो गया 0 टू 1, एक्स एक से छोटा हो गया, आप क्या करो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अगर कोई चीज किसी से छोटी होती है तो उसका इंटीग्रल भी उससे छोटा होगा, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू मोड एक्स है और एक्स 0 टू 1 में लाइक कर रहा है तो इसका मतलब जो उसका स्क्वायर है वो भी रूट एक्स से छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है अगर कोई नंबर 0 टू 1 लाइक करता है तो उसका स्क्वायर और छोटा जाता है, जैसे 0.1 है, अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.001 आ जाएगा, तो 0.0 तो ये इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से भी छोटा होगा, तो अगर वो एक्स से भी छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो रूट एक्स से भी छोटा हो गया। अब इसका एक्स स्क्वायर इससे छोटा है तो इसका इंटीग्रल भी इससे छोटा होगा। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, देख लीजिए कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो आप सीधे इंटीग्रल दिया गया है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज माय फंक्शन fx, ए कितना है पाई बाय 6, बी कितना है पाई बाय 2, इज इट ओके। सबसे पहले आप चेक कर लिया करो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान है, यू अपॉन वी रूल लगाया गया, नीचे वी का स्क्वायर, वी एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। डेरिवेटिव करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, डेरिवेटिव करके रख लिया, ठीक है जी, ऊपर साइन सब में से सॉरी कॉस कॉमन ले लिया, यहाँ से तो कॉस चला गया, तो यहाँ पे कॉस डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, तो वो टैन बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पाई बाय 6 से लेकर 90 तक कॉस तो पॉजिटिव होता ही है, नीचे ऑलरेडी स्केयर है, तो टैन की वैल्यू एक्स से बड़ी आती है इस इंटरवल में, क्योंकि टैन अगर आप 30, ये आपका होगा 30 डिग्री से 90 डिग्री, 30 से 90 डिग्री में टैन एक्स माइनस एक्स वो 0 से बड़ा होगा, तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया भाई आपका। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इसकी स्मॉल एम है वो स्मॉल वैल्यू वैल्यू देगी, जीएलवी कहाँ पे आएगी स्मॉल पॉइंट पे, तो इसमें फंक्शन में पुट कर दीजिए पाई बाय 6, पाई बाय 6 पुट किया एक्स की जगह, इसको सॉल्व कर लिया, ये आपके पास इतना आ गया। इसी तरह कैपिटल एम निकाल लोगे आप, तो कैपिटल एम आपके लिए बड़े पॉइंट पे निकलेगी पाई बाय 2 पे, तो मैंने आपको बताया था शुरू में भी ये वाला रिजल्ट यूज होता है जब लेस देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन होते हैं, दिस इज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट को लिख लीजिए, स्मॉल एम कैपिटल एम ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, फंक्शन की वैल्यू बीच में पुट कर दीजिए, ठीक है, तो बीच में फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ये हो गया इसका एलसीएम लेके 2 पाई 6, तो ये बन गया पाई स्क्वायर 6, ये आपका बन गया 2 से 3 कट गया 9 आ जाएगा। इट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स माना गया साइन एक्स, एक जी एक्स माना गया वन एक्स, क्योंकि अकेले साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स जी एक्स, तो जब दो फंक्शन मान लें तो कौन सी थ्योरम यूज करनी है आपने, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी, जिस चीज को बाहर रखना है उसको नहीं आपने बोलना रीमन, जिसको अंदर रखना है उसको बोलते हैं रीमन इंटीग्रेबल, तो आप बोलोगे कि जिस मर्जी को आप बाहर रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे चॉइस करनी है आपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना कि एफ एक्स जो साइन एक्स है इसको आपने एफ एक्स मानना, जी जी सी को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बेशक स्टेटमेंट में हमने एफ सी बाहर रखा था, जी एक्स अंदर रखा था, वो कुछ चक्कर नहीं, जिस मर्जी को आप बाहर रख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, एफ मेरा साइन एक्स है, एफ एक्स को बाहर रख लेते हैं, जीसी को अंदर कर लेते हैं, ठीक है जी, एफ रीमन इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, ये स्टेटमेंट हमने यूज कर ली सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की, जीसी ये मेरा जी एक्स है, तो यहाँ पे सी पुट करने पे 1/c बन जाएगा आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जीसी यहाँ से निकल के आएगा, एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया गया है, टेक मॉड ऑन बोथ साइड, सारी जगह पे मॉड ले लीजिए।
अब ये जो इंटीग्रल के अंदर है इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एक्स अपर सॉरी माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब पूरे के ऊपर मॉड है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब हमें पता मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता तो ये भी लेस देन 1 होगा, ये भी लेस देन 1 हो गया, लेस देन 2c आ गया, ठीक है। अब ये जो सी पॉइंट है, बेसिकली सी पॉइंट ए और बी इंटरवल के बीच में लाई करता है, इसका ये मतलब होगा जब 1 ओवर ए करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो 1 ओवर ए 1 ओवर सी से बड़ा हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ओवर a 2/c से बड़ा होगा, या आप कह सकते हो कि 2/c इज लेस देन इक्वल टू 2/a। तो ये चीज आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, 2/c इज लेस देन इक्वल टू 2/a, तो यही हमने प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना कि कैसे आपने fx और gx लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें आ रही है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जिस मर्जी इसको एक इसने fx मान लिया इस चीज को, और इसको gx मान लिया, ठीक है। अब आप लिखोगे g इज अ नॉन एक्टिव कंटीन्यूअस फंक्शन बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि हमारा इंटरवल है 0 से लेके √3/2, तो बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट xi बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। आप xi भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो स्मॉल c, पर क्वेश्चन में यहाँ पे xi आ रहा तो इसलिए आपने xi यूज किया है, अगर क्वेश्चन में c आ रहा तो c यूज करोगे, इस तरह करना होता है आपने, ठीक है जी। तो देखो इसमें हमने क्योंकि क्वेश्चन में xi आ रहा था ना, तो fxi को बाहर रख लिया, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि जो सी चीज बाहर आ रही है उसको आपने बाहर रखना है, क्योंकि k वाली चीज क्वेश्चन के आंसर में आ रही थी तो उसको मैंने f माना, तो fxi बाहर चला गया, ठीक है जी। अब ये मेरा इंटीग्रल है, इसमें से एफ एक्स आई ये वाली चीज बाहर चलेगी, यहाँ पे एक्स आई जहाँ पे वो पॉइंट पुट किया होता है एक्स आई या सी उसको बाहर रखते हैं, अगर आपने उसको एफ माना तो बाहर चला जाएगा एफ सी, अगर आपने उसको जी माना तो बाहर चला जाएगा जी सी, यहाँ पे हमने सी की जगह एक्स आई लिया है। अब ये चीज आपके अंदर है, दिस इज इंटीग्रल, तो आपको पता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करने के बाद साइन √3/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, एक होता है साइन 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3, इस तरह आपने प्रूव कर देना। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये देखो ये जो चीज है ये वाली यहाँ पे एक्साई है, तो यानी कि जिस चीज ये आप जिस फंक्शन को ये चीज मानोगे ना के स्क्वायर वाला वो बाहर आ जाएगा, तो हमने एफ एक्स को ये वाला माना था के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला, तो एफ एक्साई मेरा बाहर चला गया, ठीक है। अगर आप जी इसको जी मान लेते हैं शुरू में के स्क्वायर वाली को, तो जी एक्साई बाहर आ जाता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।